तो सर क्या जैसे शैतान तो हर इंसान के पीछे लगा हुआ है, ख्वाह वो कितना बड़ा वली क्यों ना बन जाए, तो क्या शैतान तसर्रुफ करके अपना कोई कोई ऐसी इल्हामी चीज़ या कशफी चीज़ दिखा सकता है? और अगर अगर ऐसा तसर्रुफ कर सकता है हज़रत, तो फिर इंसान कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये रहमानी इल्हाम है या शैतानी इल्हाम है? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, ये इसमें लोग धोखा खाते हैं। बिल्कुल, शैतान को अल्लाह तबारक व ताला ने ये सारी कुव्वतें दी हैं, यही तो वो टेस्ट और इम्तिहान है। वरना तो शैतान कह सकता फिर क्या टेस्ट हुआ, मुझे आपने इख्तियार ही पूरे नहीं दिए। अच्छा लिहाजा उसने, शैतान ने पहले दीनी सारे इख्तियार मांगे, जी पूरे इख्तियार मांगे, यहाँ तक कि ये तक इख्तियार मांग लिया कि मैं इन लोगों की नजरों से भी ओझल रहा हूँ, जिनको जिन कहते हैं इसलिए अजीब कि वो जो नजर नहीं आता, ये भी इसने मांगा। क्योंकि जाहिर अगर नजर आता होता तो फिर आदमी तो उससे बचना आसान है, दुश्मन से। यार ये शैतान है, जी बिल्कुल। जमरात में आप तमाशा देखते हैं, जमरात में शैतान बाजार नहीं है, लेकिन वो पत्थर की वो एक सतून ही है। लेकिन इंसान समझता है ये पत्थर का सतून गोया कि शैतान है, जी तो इंसान किस तरीके से अपना गैज़ो गज़ब निकालता है। तो गोया कि अगर शैतान नजर आ रहा होता तो हर जगह उसको पत्थर पड़ते। तो ये तक उसने मंजूर करवाया कि मैं नजर भी ना हूं और तसरुफात भी सारे मुझे मिलने चाहिए, तब मैं इम्तिहान लूंगा कौन तेरे हैं कौन मेरे हैं। अल्लाह ने कहा ठीक है, देखी जाएगी, चलो सारे इख्तियारात उसको। बिल्कुल इख्तियार है, ये जो वसवसा डालता है, ये वो इल्हाम, वही वसवसा इल्हाम वही कल्ब में डालता है, कशफ करके कोई चीज दिखा देता है, कोई रोशनी दिखा दी और कह दे मैं तेरा खुदा हूं। है तो ये ऐसे वाकयात मौजूद हैं, और ये काम इनको पेश आए। बिल्कुल पीराने पीर के साथ दरख्त के अंदर रोशनी फूटी और आवाज आई कि अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरे रब हूं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो शजरा तूबा के अंदर रोशनी फूटी। तो कहने का मकसद ये कि इस तरीके से इसको पूरी ताकत है। अच्छा, अबरा डिफ्रेंशिएट कैसे करें भाई? इसी के लिए तो पीरो मुर्शिद चाहिए, इसलिए कुछ रहबर चाहिए। रास्ते तो एक जैसे हैं, लेकिन रास्ता कौन सा मंजिल पे जा रहा है ये तो रहबर बताएगा ना। जी, जी, अब एक नॉर्थ को जा रहा है, एक साउथ को जा रहा है, अब हैं दोनों रास्ते। एक आदमी साउथ की तरफ जा रहा है, जाना नॉर्थ था। जी, अब वो कहता है यार मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, अच्छी भली सड़क है, गाड़ी भी दौड़ रही है, और भाई आप उल्टा जा रहे हैं, जाना तुमने इधर है। ये कौन बताएगा? वो बताएगा जो इस रास्ते से वाकिफ है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन से वाकिफ है। तो पीरो मुर्शद, पीरे तरीकत ये फर्क बताएगा कि ये जो तुझे नूर जाहिर हुआ, ये जो तुझे इलाम हुआ, ये शैतानी है, ये जो इलाम हुआ ये रहमानी है। तभी उलमा ने और ये मुहक्किकीन सूफिया ने एक उसूल बता दिया, वो ये बता दिया जो इलाम और कशफ कुरान और सुन्नत और शरीयत की कसौटी के मुताबिक हो वो रहमानी है। अच्छा, जो कुरान सुन्नत की कसौटी से हटा हुआ है उसके यानी खिलाफ है वो शैतानी है। अच्छा, और जो ना कुरान सुन्नत की कसौटी से टकरा रहा है, ना ना कुरान सुन्नत के खिलाफ किसी मजमून के साथ मुवासल हो रहा है, पर मैं उसके उस पर अमल करना इख्तियारी है, आप अमल करें ना करें। अच्छा, क्योंकि उसके बारे में हम ना उसको शैतानी कह सकते हैं ना रहमानी कह सकते हैं, गोया कि बेजरर चीज है। बिल्कुल, तो ये कसौटी बना दी है। तो शरीयत और कुरान सुनत ये एक मेन कसौटी होगी, लेकिन वैसे जो है वो पीरे कामिल जो आपको बता देगा कि ये जो तुझे इलाम हुआ ये इलाम शैतानी है, इससे तौबा कर और लाहौल वाला पढ़। तो ये इस तरह डिफ्रेंशिएट होगा। अच्छा,